All right, जी, this is Sarpasha back with more lectures on base units. पिछली क्लास में मैंने पिछले लेक्चर में आई गिव यू अ क्वेश्चन जो लाइक आई रिक्वेस्टेड के पहले आप लोग ट्राई करें फिर हम इसको आपके आगे एक्सप्लेन कर देंगे. तो द क्वेश्चन वॉज द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिटरमिन यूजिंग द इक्वेजन टी इक्वल के एल रेस टू द पावर एक्स एंड जी रेस टू द पावर वाई. Here L is length of the pendulum, G is the acceleration due to gravity, and K is a dimensionless constant. So you have to determine the value of X and Y. Now this is a little different question in a sense कि इस question में जो unknown variable है, which is X and Y, वो powers की form में बैठा हुआ है. Like तो इसको subject बनाना इतना आसान नहीं होगा, but I think basic आप लोगों ने maths में ये सारे concepts पढ़े हुए होंगे O level की maths में, but still मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं आपको ये question करा दूँ. So it says t equal k L raised to the power x and g raised to the power y. All right, t is time period which is measured in seconds. ठीक है. L is length of the pendulum, length is a distance measured in meters. G is acceleration due to gravity, वो हमें पता है पीछे हम निकाल चुके हैं meters per second square because that is a linear acceleration. K is a dimensionless constant का मतलब K की कोई unit नहीं है, उसको आप ignore कर सकते हैं, यानी उसकी constant कुछ भी नहीं, इसका मतलब उसकी वन लिख दो या उसको ना ही लिखो मसला नहीं हो. तो T की जगह मैं लिख दूंगा seconds, K की जगह कुछ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो dimensionless है, इसका मतलब it has no unit. लेंथ इज मीटर्स, उसकी पावर x है तो मैंने x लिख दिया, तो l की जगह m और इसकी पावर x. g इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वेयर और उसकी पावर y, तो मैंने उसकी जगह उसकी पावर y लिख दिया. एंड नाउ आई एम लेफ्ट विद s इक्वल मीटर पावर x इनटू मीटर पावर y डिवाइड बाय सेकेंड्स पावर 2y. ठीक है, तो होल पावर y था ना, तो मीटर के ऊपर भी y चला गया और सेकेंड्स के ऊपर ऑलरेडी 2 था तो 2 और y इज 2y. ये हो जाएगा s इक्वल भाई मीटर पावर x मीटर पावर y, बेसिस सेम है, पावर साइड हो जाएंगे, इंडेसेस ओ लेवल से पढ़ा होगा, तो मीटर पावर x प्लस y हो जाएगा और सेकेंड्स पावर माइनस 2y हो जाएगा. अब यहां से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y को सब्जेक्ट बनाना है. अब कोई चीज पावर में मौजूद है उसको सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका तरीका ये होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं हम उनकी पावर्स को कंपेयर करते हैं. कैसे करते हैं जरा देखिएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है सेकंड्स और राइट हैंड साइड पे मेरे पास है मीटर और सेकंड्स दोनों, और इनकी अजीब वगरीब पावर्स हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल है सेकंड्स और राइट हैंड साइड पे दो वेरिएबल है, एक मीटर और एक सेकंड्स. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मैं मीटर जबरदस्ती लेकर आऊंगा विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस टू द इक्वेशन. तो यहां पर मीटर और सेकंड्स हैं, लेफ्ट साइड पर सिर्फ सेकंड है ना, तो लेफ्ट साइड पे मैं मीटर लेकर आऊंगा. कैसे लेकर आऊंगा, मैं ऐसे लेकर आऊंगा कि उस पूरी इक्वेशन को वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा लेफ्ट हैंड साइड को. तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी ये सेकेंड है, मैं इसे लिख दूं वन इंटू सेकेंड, तो इससे इस इक्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, इट्स द सेम थिंग, वन इंटू सेकेंड इज गोइंग टू बी सेकेंड्स. इस वन की जगह मैं लिखूंगा मीटर पावर जीरो बिकॉज एनीथिंग पावर जीरो इज वन सेकेंड्स एज इट इज. सेकेंड के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब उसकी पावर वन है. फिर मीटर पावर एक्स प्लस वाई और सेकेंड्स पावर माइनस टू वाई एज इट इज. और यही तरीका है वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कराने का कि भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आपके पास मीटर्स भी है सेकंड्स भी है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास सिर्फ मीटर्स लाइक सिर्फ सेकंड्स से मीटर्स नहीं है, तो आई नीड टू ब्रिंग इन मीटर्स. बट ऐसे तो मुंह उठा के मीटर नहीं लिख सकता ना, आई नीड टू ब्रिंग इन मीटर्स सच दैट इट डजंट अफेक्ट द इक्वेशन. तो वो ऐसे ले आओगे मैं मीटर की पावर जीरो लगा दूं साथ में मल्टीप्लाई कर दूं, तो एनीथिंग पावर जीरो इज वन. तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोनो फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, तीनों इक्वेशन बिल्कुल एक ही चीज है. बस सिर्फ फर्क ये हो गया कि अब इस इक्वेशन में मेरे पास राइट साइड पे भी मीटर्स और सेकंड्स है और लेफ्ट साइड पे भी मीटर्स और सेकंड्स है, तो अब मैं क्या करूंगा इन दोनों की पावर्स को कंपेयर कर दूंगा कि भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होने के लिए जो मीटर की पावर इधर है वो यहाँ पर होनी चाहिए, जो सेकंड की पावर इधर है वो यहाँ पर होनी चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर मैं कंपेयरिंग कर दूं कंपेयर कर दूं दोनों की पावर को,
तो मीटर की पावर है एक तरफ जीरो और एक तरफ है एक्स प्लस वाई, और सेकंड्स की पावर है एक तरफ वन और एक तरफ है -2 है। तो वन मस्ट बी इक्वल टू -2 वाई, यानी सेकंड्स की जो पावर यहां पर है वही पावर यहां पर होनी चाहिए। तो वन इज इक्वल टू -2 वाई, तो y विल बी इक्वल टू -1/2, यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी। सिमिलरली इधर जीरो मस्ट बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मीटर की दोनों तरफ पावर्स सेम होने चाहिए। तो जीरो इक्वल्स एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/2, तो y की जगह आई एम गोइंग टू राइट -1/2, यहां से मैं x को सब्जेक्ट बना लूंगा एंड दैट विल बी +1/2, एंड दिस इज हाउ माई फ्रेंड्स आई विल फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पास पेपर में मिलेंगे, 20 साल में एक या दो दफ़ा पूछा गया, एक या दो मार्क के लिए पूछा गया, बट बहरहाल ये चीज़ें पूछी गई हैं एग्जाम में। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वही बेस यूनिट्स ही हम सॉल्व कर रहे हैं, बट लाइक अंदाज अलग अलग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ इक्का दुक्के पास पेपर के भी क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर ये हो जाएगा कि हमने ऑलमोस्ट सारी वेरिएशन कवर कर ली होंगी, फिर आप जितने पास पेपर क्वेश्चंस चाहें तो सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।